हेलो एवरीवन, सबको ऑडियो वीडियो एंड स्लाइड्स क्लियर है एक बार कंफर्म कर दो प्लीज। सबको ऑडियो वीडियो एंड स्लाइड्स क्लियर है। गुड इवनिंग जाओ, गुड इवनिंग रश्मिता, गुड इवनिंग निवेदिता, गुड इवनिंग जयता, गुड इवनिंग प्रिया, हेलो आनंदिता। सबको ऑडियो वीडियो स्लाइड्स क्लियर है, मेरे वॉइस क्लियर है। जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दो, ठीक है, ताकि वो लोग भी लाइव में आए, उनको पता चले कैसा क्लासेस चलता है। और हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज नेल लॉडिंग एंड पॉलो गर्ल। मैंने कल के भी सेशन में बोला था कि मंडे और ट्यूसडे हमारे पेपर टू की क्लासेस चलेगी, है ना, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे पेपर टू की स्लाइड चलेगी, ठीक है, वो स्लाइड ही है एग्जाम। और वेडनेसडे थर्सडे हमारी पेपर वन की क्लास चलेगी, तो कल हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास होगी, ठीक है। आज जो हमारी क्लास है एजुकेशन थिंकर पॉलो फ्रायर और नेल लॉडिंग का, इस बार इससे क्वेश्चंस भी आया था और मैंने इसको ये जो क्वेश्चन आया था वो मैंने की पॉइंट्स में भी बताए थे और मैं अभी जो कोर्स ले रही थी उसमें भी पढ़ा रखा है। तो अभी आप लोग भी देखोगे कि हाँ ये पढ़ रखा था और वो क्वेश्चन भी आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, तो हम लोग वो भी देखेंगे। हेलो शिवांगी, ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। एंड यस, जिन लोगों ने को अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है, वो लोग ऐप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। गुड इवनिंग ज्योति, मैं उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ठीक है, भूले नहीं टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, सारा अपडेट जो है उनको वहीं पर मिलेगा, तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ठीक है। हाँ, वॉइस में इको होगा शिवांगी शिवांगी, क्योंकि मेरा पूरा रूम खाली है, रूम में कुछ नहीं भरा है इस वजह से, ठीक है। अब मैं एज अ बैचलर यहाँ रहती हूँ, कुछ भी नहीं भरा है, घर पे रहती हूँ तो आवाज इको नहीं करता, ठीक है। एंड सभी से रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज प्ले स्टोर पे जाकर के, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाओ और फीडबैक दो कोर्सेज का, इवन मेरे ऐप पे भी आप रेटिंग दे सकते हो कि कोर्स कैसी है। हेलो दीदी, ठीक है, और यस ये कोर्स चल रहा है, अगर कोई लेना चाहता है तो ये भी वो कोर्स परचेज कर सकता है। पेपर वन की कम्युनिकेशन कोर्स चल रही है, ये सारा चल रहा है, आपको जो बने आप वो कोर्स एनरोल कर सकते हैं। सो चलो हम लोग पॉलो फ्रायर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉलो फ्रायर की बात हो रही है, नहीं निवेदिता, लेकिन फास्टिंग की समझो खाया नहीं है कुछ, आप लोगों की क्लास के बाद खाऊंगी। सबसे पहले जो है पॉलो फ्रायर की बात करते हैं, तो पॉलो फ्रायर एक ब्राजीलियन एजुकेटर और फिलोसोफर थे, ठीक है। उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट नोन ऐसी इन्फ्लुएंशियल रेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने ऑपरेशन के लोगों की बात की, यानी उन लोगों की जिन पे अत्याचार हो रहा था उनपे इनपे इन्होंने उसके लिए डिस्कशन किया था। ऐसे लोग जो कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस करते हैं, ऐसे लोग जिनको क्या बोलते हैं उसको परेशान किया जाता था, ऑपरेट होते थे उनपे उन्होंने वर्क किया था। मैं ये पूरा इसको स्लाइड से पढ़ाऊंगी, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा जो है हम लोग एक सेकेंड हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो है इससे हम लोग देख लेते हैं कि पॉलो फ्रायर की मेन मेन की पॉइंट्स क्या है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो जो पॉलो फ्रायर थे उन्होंने वो किसके लिए बात की, वो काम करते थे वो जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, ये उनका कीवर्ड है, सारा कीवर्ड पहले मैं डिस्कस कर देती हूँ, कीवर्ड को कॉन्सेप्ट के साथ, जितने भी ऑप्रेस्ड लोग हैं यानी जितने भी ऐसे लोग जिनको परेशान किया जाता था, जो पीड़ित थे, ठीक है, ऑपरेस्ड थे, उनके लिए ये पॉलो फ्रायर ने बहुत गौर किया था, ठीक है। उन्होंने फ्रीडम के लिए बहुत गौर किया था कि फ्रीडम मिलना जरूरी है, फ्रीडम ऑफ लर्निंग एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ा है, ये ऑपरेस्ड और फ्रीडम का एजुकेशन में क्या लेना देना है। तो उन्होंने बोला कि जितने भी लोग ऑपरेस्ड इसलिए हैं क्योंकि उन्हें स्पेस नहीं दिया जाता किस चीज के लिए, डायलॉग के लिए, इनका अगेन दूसरा कीवर्ड डायलॉग के लिए, बच्चों को लर्नर्स को एजुकेटर्स जो क्लासरूम में चिल्ड्रन हैं उन्हें डायलॉग यानी उन्हें फ्रीडम नहीं दी जाती, उन्हें स्पेस नहीं दी जाती, किसके लिए,
स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला, इसीलिए उन्होंने बोला फ्रीडम की बात ही, उन्होंने बोला क्लासों में डायलॉग सिस्टम होना चाहिए। विदाउट डायलॉग हम एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायलॉग किस चीज को प्रमोट करेगा, कोऑपरेशन एक्टिविटीज को प्रमोट करेगा, कोऑपरेशन एक्टिविटीज को, ठीक है। कोऑपरेशन एक्टिविटीज का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करेगा जहाँ पे हम कोऑपरेट कर सकते हैं। कैसे, एक लर्नर ने दूसरे को बोला, हम दूसरे को सुन रहे हैं, दूसरे से तीसरे को सुन रहे हैं, यानी एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जो है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कवर अप कर रहे हैं, यानी हम कंप्लीट कर रहे हैं एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज को, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऑपरेस्ट पीपल की उन्होंने बात की। गुड इवनिंग सेना, सॉरी मुझे किसी का मैसेज नहीं दिखा था। हाँ एग्जाम्पल 500 पर मंथ है, अभी मुझे दिखना शुरू किया है। अब उन्होंने बोला कि इस डायलॉग से हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि जो पहले की एजुकेशन सिस्टम था वो बिल्कुल किसी तरीके का था, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट की पॉइंट लिखी वो बैंकिंग सिस्टम की तरीके का था। बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या है, ऐसा सिस्टम जहाँ पर हम आते हैं, पैसा डालते हैं और जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो पहले का सिस्टम था वो बिल्कुल ऐसा ही था, एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे टीचर आते हैं, बच्चों के माइंड में नॉलेज डालते हैं और बगल से निकल लेते हैं, पहले का सिस्टम। तो उन्होंने बोला इसी बैंकिंग सिस्टम को अगर हमें हटाना है, ध्यान रखना मैं जो बोलने जा रही हूँ दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसी बैंकिंग सिस्टम को हटाना है तो इसके लिए हमें जो एजुकेशन सिस्टम लाना होगा वो प्रॉब्लम पोजिंग सिस्टम लाना होगा, ठीक है। क्या लाना होगा, प्रॉब्लम पोजिंग सिस्टम लाना होगा। और ये कैसे आएगा, अगेन ये हमारा इसी डायलॉग से आएगा, ठीक है। गुड इवनिंग संध्या, अगेन हमारा किससे आएगा, इसी डायलॉग से आएगा। समझ आया ये चीज, ये समझ में आया ये वाला जो पॉइंट मैंने बोला कि प्रॉब्लम सिस्टम जो है वो इसी डायलॉग से आएगा, ठीक है। उन्होंने पहला तो पहला पॉइंट बोला, सबसे पहला पॉइंट क्या कि उन्होंने बोला डायलॉग, अगर एजुकेशन फिलॉसफी की बात करेंगे तो डायलॉग क्या है, कोऑपरेटिव एक्टिविटी है, ठीक है। एक उन्होंने बोला डायलॉग है कोऑपरेटिव एक्टिविटी है, जब भी मैंने लिखी स्पेलिंग गलत लिखी थी, डायलॉग क्या है एक कोऑपरेटिव एक्टिविटी है, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि चूंकि बहुत प्रॉब्लम है एजुकेशन, अर्लियर एजुकेशन सिस्टम कैसा था, बैंकिंग की तरह था, कैसा था, बैंकिंग सिस्टम की तरह था, जहाँ आते हैं पैसा डालते हैं और चले जाते हैं। अब इसको हटाने के लिए, इसको रिमूव करना है तो क्या करना होगा, प्रॉब्लम पोजिंग लाना होगा। प्रॉब्लम पोजिंग का मतलब, जैसे नशरू लगे आपने मुझसे पूछा प्रॉब्लम पोजिंग का क्या मतलब है, ये क्या है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्रॉब्लम डाल रहे हो, अपने अपने क्वेश्चन पूछ रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम पोजिंग। फिर उन्होंने बोला ये प्रॉब्लम पोजिंग भी कैसे आएगा, डायलॉग से आएगा, यानी हम बच्चों को फ्रीडम देंगे, दूसरा पॉइंट हम फ्रीडम देंगे, स्पेस देंगे, तो हमें ये एजुकेशन सिस्टम को ला सकते हैं। उन्होंने बोला कि सभी के लिए एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एक कॉम्युनियन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कॉम्युनियन होना चाहिए। कॉम्युनियन का मतलब एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होना चाहिए, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ थॉट्स का मतलब क्या है, आप मुझे क्या बोल रहे हो, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, एक दूसरे के आइडिया को बदल रहे हैं, ठीक है। किस ये भी कैसे बदल रहे हैं, अगेन ये भी हम डायलॉग से ही बदल रहे हैं, हेलो रजनी, ये भी हम कैसे बदल रहे हैं, डायलॉग से ही बदल रहे हैं, ठीक है। समझ तो आ रहा है, किसी को ऐसा कोई तो नहीं जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, प्लीज नहीं समझ में आ रहा हो तो जरूर बताना, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते रहना, ठीक है। हाँ रजनी वो डबल इसलिए आ रही है क्योंकि मेरा घर बिल्कुल खाली है ना, मेरे रूम में कुछ नहीं है तो इस वजह से वो ईगो हो रही है, ठीक है। तो कॉम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स है, यानी हम यहाँ पे इंटरैक्ट करेंगे, प्रॉब्लम डालेंगे तो इस वजह से, ठीक है। फिर उन्होंने बोला जो दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि हमें लर्निंग सर्कल्स बनाने चाहिए, क्या बनाने चाहिए, लर्निंग सर्कल्स। लर्निंग सर्कल्स क्यों बनाने चाहिए, लर्निंग
प्रॉब्लम शांति प्रॉब्लम पोजिंग का मतलब है, जैसे आप मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि मैम ये प्रॉब्लम पोजिंग क्या है क्या है, तो यही है प्रॉब्लम पोजिंग। उन्होंने बोला कि ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए जिसमें सिर्फ टीचर आए डाले और जाए, बच्चों को क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं दिया जाए, बल्कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें टीचर आए बच्चों से क्वेश्चन, बच्चे भी क्वेश्चन पूछें, इंटरैक्ट करें, डायलॉग करें, इसी को कहते हैं प्रॉब्लम पोजिंग, ठीक है, प्रॉब्लम डालें। तो उन्होंने एक लर्निंग सर्कल बनाने के लिए जिसमें उन्होंने बोला नॉन हायरार्कियल, कोई हायरार्की नहीं होनी चाहिए, नॉन हायरार्कियल मतलब नॉन हायरार्कियल का मतलब क्या है, यहाँ पे टीचर स्टूडेंट सभी एक प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए, टीचर और स्टूडेंट एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए, ठीक है, सिंगल प्लेटफॉर्म पे, ओके, टीचर एंड स्टूडेंट कौन से प्लेटफॉर्म पे, सिंगल प्लेटफॉर्म पे, नॉन हायरार्कियल क्लास मॉडल, यानी यहाँ पे डे टू डे प्रॉब्लम सामने रखना है, डेली का जो भी प्रॉब्लम है वो सामने रखो, बच्चों को सॉल्व करने को मौका दो, ठीक है, डेली प्रॉब्लम्स पे थीम्स पे डिस्कस करो, थीम्स अलग अलग थीम्स अलग अलग टॉपिक्स इन पे डिस्कशन करो, उनको भी बोलने का मौका दो और आप भी बोलो, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने बोला ये लर्निंग सर्कल में हर किसी का एवरी वन हैज इक्वल वेटेज, सभी को बराबर हक है, इसीलिए टीचर और स्टूडेंट सिंगल प्लेटफॉर्म सेम प्लेटफॉर्म एक ही लेवल पे, उन्होंने बोला सभी को इक्वल वेटेज दो, ठीक है। गुड इवनिंग अंजलि, ठीक है, तो समझ में आया सभी को इक्वल वेटेज दो। फिर ये कुछ बातें जो है मेनली फ्राइडे ने कहा, पॉल फ्राइडे ने कहा था, मैंने एज अ होल एक डिस्कस कर दिया आपके सामने, ठीक है। अब हम लोग कंटेंट को ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, यहाँ तक मेरी चीजों को कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक मेरी चीजों को कोई दिक्कत है तो बोलो, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलो, जिन लोगों ने मेरे लाइक नहीं किया अपने दोस्तों को प्लीज शेयर करते चलो, हाँ पंकज साउंड इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि मेरा घर खाली है, मेरा रूम बहुत बड़ा है, मैंने रेंट पे लिया है ना पीएचडी के लिए। चलो अब आ जाओ, तो ये हम लोगों ने देख लिया, अब ये वाला मैंने पॉइंट्स नहीं बताया है, ये इनके सारे इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। पहला एजुकेशन एज प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, देखो कंसेप्ट से ही पता चल जाएगा, उन्होंने फ्रीडम की बात की, पेडागॉजी ऑफ फ्रीडम, पेडागॉजी ऑफ होप, एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कि आपको समझना है, ये बुक्स हैं, इन्होंने इस पे वर्क किया है, ये आपको याद करना है, ठीक है, ओके। एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड, एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, ये सारा कुछ, ठीक है। अब देखो मैंने अभी यहाँ पे यही सब डिस्कशन किया था, यहाँ पे देखो उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड में क्या बोला, अभी के टीचिंग स्टाइल की शॉर्टकमिंग्स बताई, वो क्या क्या बताया, सबसे पहले बोला कि अभी का टीचिंग स्टाइल कैसा है, बैंकिंग सिस्टम की तरह है, जहाँ पे मैन्स आते हैं पैसा डालते हैं और चले जाते हैं, उसी तरीके से टीचर भी इंफॉर्मेशन बच्चों के सर में डालती है और चली जाती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला इस चीज को हटाने के लिए, यानी ये डिपॉजिटरी सिस्टम को, यानी ये जो बैंकिंग सिस्टम को हटाने के लिए प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन लाना होगा, यानी बच्चों को ऐसा पैटर्न रखना होगा जहाँ बच्चे पूछे क्वेश्चन करें, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बोला, अगेन ये स्टेटमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेना, क्या बोला, कोई भी किसी को नहीं पढ़ा सकता, नो वन कैन Can teach anyone else. No one earns alone. कोई भी अकेला earn नहीं कर सकता. Sorry, learns. People learn together. लोग साथ में ही learn करते हैं. Acting in and on their world. अपनी दुनिया में काम करते हैं. ठीक है? समझे? ये line important है. ध्यान रखना. ये phrase PSC के exam में आ चुका है. क्या? कोई भी किसी को अकेला. No one can teach anyone else. कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता. ठीक है, कोई अकेला पढ़ नहीं सकता,
हम लोग साथ पढ़ सकते हैं, पीपल कैन लर्न टुगेदर एक्टिंग इन ऑन ऑन देयर वे, ठीक है, एक्टिंग इन एंड ऑन देयर वे। तो बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत? फिर उन्होंने कुछ एम्स ऑफ एजुकेशन बताए जो कि हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं, फिर भी मैं एक डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले ना उन्होंने लिबरेशन की बात की फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जो उन पर उत्पीड़न हो रहा है, उनको जो परेशान किया जा रहा है उससे उससे फ्रीडम की बात की, उनको लिबरेशन देने की बात की। उन्होंने बोला एजुकेशन एक तरीके का पॉलिटिकल एक्ट है, पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं हो सकता। पॉलिटिकल एक्ट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे उन्होंने बोला जहाँ पे हम लिबरेशन की बात करें, फ्रीडम की बात करें, जहाँ पे हमने क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें, उनकी शेयरिंग की बात करें, है ना। एजुकेशन एक कॉम्युनियन है जहाँ पे हम अपने सोच को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, किसके बीच में, पार्टिसिपेंट्स के बीच में, ठीक है। उन्होंने बोला नॉलेज कॉमोडिटी नहीं है, कॉमोडिटी का मतलब जिसको हम सेल करते हैं, किसी को बेचते हैं, नॉलेज ऐसा नहीं कि हम बेच रहे हैं टीचर स्टूडेंट को बेच रहे हैं, बल्कि नॉलेज ऐसा है जहाँ पे हम चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑलरेडी जो हमारे पास है हम उसको ट्रांसमिट करते हैं, शेयर करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। यानी लर्निंग बिगिंस विद एक्शन, लर्निंग कैसे स्टार्ट होता है, जब हम कुछ काम करते हैं तो लर्निंग शुरू होती है, ठीक है। तो बताओ मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को गाइस, प्लीज थोड़ा इंटरैक्टिव रहो, मुझे भी बताओ दिक्कत है या नहीं है। यहाँ तक सभी को कोई ऐसा बंदा जिसको दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। तो स्टूडेंट शुड नॉट बी व्यूड एज एन एमडी अकाउंट, उन्होंने बोला वही बैंकिंग वाली बात के लिए, ये खाली बैंक नहीं दिखना चाहिए, खाली अकाउंट नहीं दिखना चाहिए जिसमें अकाउंट खाली है जाके पैसा डाल दिए, नहीं। कैसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें हम बच्चों को शेयर करें, हम भी लें वो भी लें, दोनों शेयर करें, कॉम्युनियन होना चाहिए। ये सब टर्म्स बोलना मत, कॉम्युनियन होना चाहिए। कॉम्युनियन का मतलब एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक दूसरे के थॉट्स को बदलने, मतलब शेयर करना चाहिए, ठीक है। एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए रिपीट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट, एक मिनट फोर्थ पॉइंट कुछ नहीं, यही बोला नॉलेज एक कॉमोडिटी नहीं है, यानी ऐसा नहीं है जिसको हम बेच रहे हैं टीचर से स्टूडेंट के। कॉमोडिटी क्या होता है, है ना, हम बोलते हैं कोई प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए, कॉमर्स का ये टर्म है कॉमोडिटी, है ना। तो कॉमर्स कॉमोडिटी नहीं है टीचर का नॉलेज कि हम उसको शेयर कर रहे हैं, हम उसको सेल कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला ऐसा बैंकिंग सिस्टम होता है कि हम किसी चीज़ को शेयर कर रहे हैं, कॉमोडिटी कर रहे हैं, वो सब चीज़ यहाँ नहीं चलेगा, जो नई सिस्टम जो फॉलो कर रहा है के अकॉर्डिंग, ठीक है। उन्होंने बोला एजुकेशनल प्रैक्टिस इज नॉट एन एक्सटेंशन बट अ कम्युनिकेशन। एजुकेशनल प्रैक्टिस क्या है, एक कम्युनिकेशन जहाँ हम आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा कुछ उन्होंने कहा, ठीक। यानी अगर हमें यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करें, मैं की पॉइंट सारा लिख दूँ, तो उन्होंने बोला है एजुकेशन क्या है, एक कॉम्युनियन है। फिर उन्होंने बोला एजुकेशन क्या है, जहाँ पे हम कोई भी चीज कॉमोडिटी नहीं है, कॉमोडिटी नहीं है कि टीचर स्टूडेंट को शेयर कर रहा है। एजुकेशन क्या है, उन्होंने बोला एजुकेशन जो है प्रॉब्लम पोजिंग है, प्रॉब्लम रख रहे हैं सामने, कोऑपरेटिव एक्टिविटी है, कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एजुकेशन एक कम्युनिकेटिव एक्शन है, उन्होंने बोला एक कम्युनिकेटिव एक्टिविटी उर्फी कम्युनिकेटिव एक्शन है, कम्युनिकेटिव एक्शन है ना। ये सारा कुछ उन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला एजुकेशन में जो बैंकिंग सिस्टम है इसको हटा के क्या लाना है, प्रॉब्लम पोजिंग लाना है, ठीक है, प्रॉब्लम पोजिंग लाना है। और ये प्रॉब्लम पोजिंग कैसे आएगा, टीचर और स्टूडेंट किस प्लेटफॉर्म पे हो, सेम प्लेटफॉर्म पे हो, है ना। यहाँ पे टीचर स्टूडेंट सेम प्लेटफॉर्म पे हो, रोज एक थीम्स डिस्कस किया जाए कि हाँ भाई आपको इस पर डिस्कस करना है, हर किसी को इक्वल वेटेज दिया जाए, इक्वल वेटेज दिया जाए, तो ये सब लर्निंग सर्कल में हम कर सकते हैं, ठीक है। नॉन हायरार्कियल होता है, यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं होती, टीचर ऊपर है, स्टूडेंट नीचे, सभी एक प्लेटफॉर्म पे।
यहाँ पे उन्होंने प्लान ऑफ, उन्होंने बोला एजुकेशन एक प्लान ऑफ एक्शन है, हम एक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने प्रॉब्लम पोजिंग के लिए बात किया था, ठीक है। अभी बताओ किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी हिंदी में आई थिंक हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ में आ चुका होगा। देखो यहाँ पे टीचिंग टूल के लिए भी उन्होंने डायलॉग को बोला है पेडागॉजिकल टूल, है ना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब क्या है? सिंथेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक्शन, यानी थ्योरी को प्रैक्टिस करते चलना लर्निंग प्रोसेस में, यानी प्रैक्टिस का मतलब है थ्योरी को प्रैक्टिकल तरीके से यूज करना, इसी को प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्होंने टीचिंग टूल के लिए डायलॉग मेथड बोला, डायलॉग यूज करवाया, टूल प्रैक्टिस यूज करो, यानी थ्योरेटिकल चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज करवाओ उनसे, ये सारा कुछ करो, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करो, लर्निंग सर्कल्स करो, ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो कोई डाउट है तो बोलो प्लीज, किसी को भी फॉलो करने में कोई भी डाउट हो तो बोलो। फिर देखो मैंने क्रिटिकल पेडागॉजी के लिए उन्होंने बोला कि क्रिटिकली हम कॉन्शियस होने चाहिए, यानी हमारे अंदर चेतना होनी चाहिए, जागरूक होनी चाहिए, हम अपने सोशल कॉज को, पॉलिटिकल कॉज को, ऑपरेशंस को, इन सब के अगेंस्ट एक्शन ले सके, जो हमारे ऊपर उत्पीड़न हो रहा है हम उसके ऊपर आवाज उठा सके कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना है, हम क्या कर सके आवाज उठा सके, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलो फ्रेरे का क्रिटिकल पेडागॉजी, ठीक है। देखो मुक्ति के लिए शिक्षा, फ्रीडम के लिए लर्निंग और क्रिटिकल पेडागॉजी, कोई दिक्कत है? लिबरेशन के लिए, लिबरेशन किसके लिए, जो ऑपरेट है, जो पीड़ित है, उन लोगों के लिए लिबरेशन चाहिए, यानी जिनको हमेशा गंभीर रूप से समाज में समझा नहीं जा रहा, उनके खिलाफ राजनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से उनको उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको उनको क्या बोलते हैं, ऑपरेस किया जा रहा है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए लिबरेशन एजुकेशन उनको लिबरेट कर सकता है, उनको एजुकेशन ही फ्रीडम दे सकता है, ये चीज उन्होंने बोला, और इसलिए वो एजुकेशन को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को इस ऑपरेशन से बाहर निकलना है तो एजुकेशन को तो फ्री करना ही होगा, ठीक है, समझ आया। चलो अब जल्दी से मुझे जरा सभी को फटाक से हम लोग नेल ऑडिट चलेंगे, उसके पहले जरा थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी से क्या क्या की पॉइंट से बोलो, जल्दी जल्दी से मुझे सभी के काम चाहिए, यहाँ पे जितने लर्नर जुड़े हैं अभी सभी के चाहिए, चलो प्लीज चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। वेरी गुड शॉर्ट पेडागॉजी, पी फॉर पेडागॉजी, पी फॉर पॉलो फ्रेयर, वेरी गुड। हाँ सत्य जी, क्यों हो रहा है वो मैं बताऊंगी क्लास के बाद। हाँ बिल्कुल, बैंक कंसेप्ट को चेंज करना है, वेरी वेरी गुड। चलो अब हम लोग चलते हैं नेल नॉलिंग्स में, ठीक है। चलो अब नेल नॉलिंग्स का इस बार क्वेश्चन आया था, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि नेल नॉलिंग्स का क्या क्वेश्चन आया था, वो हम लोग करेंगे इस क्लास की जैसे एंड हो जाएगा तब, ठीक है। चलो तो नेल नॉलिंग्स की बात करते हैं, नेल नॉलिंग द एथिक्स ऑफ केयर एंड एजुकेशन, इनका दो क्वेश्चन आया था इनसे, एक क्वेश्चन तो इनका यही बुक के नाम बारे में था नेल नॉलिंग्स का, कि वो क्या केयर एंड एजुकेशन की बात करते हैं। हाँ तो नेल नॉलिंग्स का सबसे पहला कीवर्ड यही याद रखना कि उन्होंने केयर एंड एजुकेशन की बात की थी, ठीक है। इनको भी याद हो तो पहले कीवर्ड से जल्दी से देख लेते हैं फिर इधर स्टार्ट करें। तो आ जाओ तो नेल नॉलिंग्स द एथिक्स ऑफ केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, द एथिक्स ऑफ care and education, ठीक है।
इन्होंने बोला सबसे इनका जो मेन एम था, सबसे बड़ा मेन एम था, वो चाहते थे ऐसे पर्सन को क्रिएट करना जो केयरिंग हो, जो लवेबल हो और कॉम्पिटेंट हो। वो चाहते थे ऐसे लर्नर्स और ऐसे एजुकेशन पर्सन को क्रिएट करना जो कॉम्पिटेंट हो, जो बहुत ही लवेबल हो, केयरिंग हो, लविंग हो, ऐसे हो। इनका मेन थीम ही था यूनिट ऑफ केयर, यूनिट्स ऑफ केयर, ये केयर की बात कर रहे हैं। इनका मेन थीम है, इनका कहना हम एजुकेशन कराएंगे तो एजुकेशन से बच्चों में प्यार आए, प्यार की भावना आएगी, लव की फीलिंग्स आएगी, केयरिंग की फीलिंग्स आएगी, एक दूसरे को केयर करेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो ये उन्होंने बोला था नैनोटेक्स का, ठीक है। उन्होंने बोला उनको फ्री डिस्कशन कराओ, क्योंकि हमें लव और केयर को प्रमोट करना है, तो फ्री डिस्कशन कैसे कराने हैं, फ्री डिस्कशन कैसे कराने हैं, फ्री डिस्कशन हमें उनसे कराने हैं प्रैक्टिकल वॉर के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, इन सब गरीबी के बारे में, इन सब पे जितना हम डिस्कस करेंगे उतना वो दूसरे के लिए केयरिंग लविंग होंगे, ठीक है। तो ये उनका कहना था, उनका कहना था कि करिकुलम भी कैसा होना चाहिए उनके स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट बोल रहे हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम होना चाहिए। वॉर के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, क्राइम के बारे में, इस तरीके का जो भी ऐसा टॉपिक जहाँ से हम केयरिंग सीख सकते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते हैं, लविंग सीख सकते हैं, वो उन्होंने यहाँ पर फोकस किया था कि ये चीज होना चाहिए, ठीक है। जो नैनोटेक्स की स्टडी थी वो उन लोगों के लिए एक बेस बनी, क्या बनी, एक बेस बनी, जहाँ पे उनका कहना था उन लोगों के लिए जो एथिकल एथिक्स की चीजों पे, केयरिंग की चीजों पे, मोरल फाउंडेशन पे वर्क करना चाह रहे थे, टीचिंग में, एजुकेशन में, इन सब जगह पे जो लोग एथिक्स की बेसिस पे, मोरल की बेसिस पे वर्क करना चाह रहे थे, उनके लिए, उन लोगों के लिए एक बेस बना कि हाँ भैया हम इसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने उन्होंने एक मॉडल दिया जिसको हम लोग बोलते हैं डिनर मॉडल टेबल, ये नाम याद रखना, डिनर मॉडल टेबल। ये डिनर मॉडल टेबल का मतलब क्या है, ये डिनर मॉडल टेबल बोलता है यहाँ पर कि हम यहाँ पर जैसे डिनर में कैसे बैठते हैं, साथ में सब बैठते हैं, एक दूसरे को केयर करते हैं, कौन खाया नहीं खाया, कितना खाया नहीं खाया, उसी तरीके से उन लोगों ने एजुकेशन भी ऐसा ही होना चाहिए, इसी तरीके का मॉडल होना चाहिए, डिनर मॉडल टेबल, जहाँ हम एक दूसरे को बैठ के केयर करेंगे, समझेंगे क्या बोलना चाह रहे सामने वाला, ये सारा कुछ। और इसके लिए उन्होंने फोर की मॉडल कंसेप्ट दिया और यही इस बार एग्जाम में आया था, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं फिर उस मॉडल तरफ चलेंगे। तो देखो नैनोटेक्स सबसे पहले किसके लिए वेल नोन है, एथिक्स ऑफ केयरिंग के लिए। सी हैज आल्सो एडेड थ्योरी एंड प्रैक्टिस मोर ब्रॉडली इन एजुकेशन, उन्होंने बोला कि इस केयरिंग के साथ साथ थ्योरी और प्रैक्टिस भी एजुकेशन में एडेड होना चाहिए। उन्होंने केयरिंग और एजुकेशन बोलकर क्या रिलेशन है ये सामने लेकर के हैं कि एजुकेशन जितना अच्छा होगा उतना हम केयरिंग कर सकते हैं। उनका वर्क अभी जो हमने बात की है कि डिफरेंस बना किन लोगों के लिए जो एथिकल और मोरल फाउंडेशन पे वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए क्या बना की रिकमेंडेशन बना, ठीक है। उनके कुछ वर्क्स हैं जैसे कि अ फेमिनिन अप्रोच टू एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन, पहला वर्क। दूसरा अटेम्प्ट एवरीथिंग एवरी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमन, जो कि वुमन एंड एवरी के नाम से था, ये दूसरा बुक है उनका। ये अगेन ये सब समझने का था, ये बुक्स अब आपको याद करना है। चैलेंज टू केयर इन स्कूल, तीसरा जिसकी एक सीरीज आई थी। एजुकेटिंग मोरल पीपल, चौथा हैप्पीनेस एंड एजुकेशन, ये सब इनकी बुक्स हैं, ठीक है। ये आपको याद करनी होगी, ये आपको लिख लो कहीं कि भाई पहला एथिक्स केयरिंग, फेमिनिन अप्रोच, वुमन एंड एवरी, चैलेंज टू केयर इन स्कूल, एजुकेटिंग मोर पीपल, ये सारा कुछ, ठीक है। अब आते जो अब इनकी जो मेन कॉन्सेप्ट है, इन्होंने की
की कंसेप्ट के लिए चार मॉडलिंग दिया। उन्होंने बोला कि ये जो हम क्लियरिंग कर रहे हैं इसके चार की कंपोनेंट होते हैं, ये बाद में देखेंगे, पहले उस कंपोनेंट को समझते हैं। वो चार की कंपोनेंट क्या है? वो चार की कंपोनेंट जो है वो है हमारा सबसे पहले मॉडलिंग, ठीक है। वो चार की कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले है मॉडलिंग, ठीक है, मॉडलिंग, ठीक है। फिर है डायलॉग, फिर है सेंट्रल प्रैक्टिस, और फिर है कन्फर्मेशन, ठीक है। क्या है कन्फर्मेशन? अब इन चारों को पहले समझते हैं, फिर हम पीछे कंटेंट के थ्रू भी देखेंगे। सबसे पहले है मॉडलिंग। मॉडलिंग उन्होंने बोला कि मॉडलिंग कहने का सेंस यहाँ पे है कि हम अब जैसे मान लो मुझे किसी को केयर करना है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है क्या वॉइस इतना नहीं है क्या समझ सको मुझे ये बताओ, इतना भी क्लियर नहीं है मुझे प्लीज ये कंफर्म करो। क्योंकि वो अगर ईगो हो रहा है तो वहाँ ईगो थोड़ा सा होगा क्योंकि रूम थोड़ा खाली खाली है मेरा, अगर ईगो के अलावा और कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है ना? चलो ठीक है। तो देखो मॉडलिंग क्या बोलते हैं, मॉडलिंग में बोलती है वो कि यहाँ पे हम लाइव एग्जांपल से सीख सकते हैं, लाइव एग्जांपल से। लाइव एग्जांपल कहने का मतलब क्या है? हम किसी को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि देखो ऐसे करना चाहिए, देखो इस तरीके से उसका हेल्प करो, ये करो वो करो, लेकिन अगर हम उसके सामने किसी का हेल्प करके दिखा दे, लाइव एग्जांपल उसके सामने दे, एक मॉडल रोल मॉडल की तरह वहां पे एक्ट करे, तो वहां पे क्या हुआ, केयर को इनकरेज कर सकते हैं, केयरिंग के कंपोनेंट्स को इनकरेज कर सकते हैं। यही उन्होंने मॉडलिंग में कहा, ठीक है, इनकरेज कर सकते हैं केयर को, ठीक है। फिर उन्होंने बोला डायलॉग। डायलॉग में उन्होंने क्या बोला? डायलॉग में बोला कि अगर हमें किसी को किसी का केयर किसी के एथिक्स पे बात करनी है तो हमें उस जगह को कैसा रखना होगा, ओपन रखना होगा ताकि सब लोग एक दूसरे के साथ शेयर करें। हमें क्या करना होगा, ओपन एंडेड होना होगा, टीचर को स्टूडेंट को दोनों एक दूसरे को डिस्कवर करें, अपनी 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 पॉइंट्स को रखें, अगर वो अपोजिट है तो भी कोई बात नहीं, ओपन एंडेड डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। किस पॉइंट, अगर हम कोई केयरिंग के किसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, क्राइम से रिलेटेड कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी चीज डिस्कस कर रहे हैं, एक ओपन एंडेड डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रैक्टिस। सेंट्रल प्रैक्टिस, सेंट्रलिटी ऑफ प्रैक्टिस, इसमें वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं अब मान लो एज अ टीचर मैंने उर्फी को बोला उर्फी नोट्स शेयर करने चाहिए, ठीक है, सिर्फ बोला, उर्फी ने बोला हाँ ठीक है बोली है हम शेयर करने करें या ना करें पता नहीं, लेकिन मैंने उर्फी के सामने अपने जो मेरे जो बैचमेट्स हैं जो मेरे कलीग्स हैं मैं उनके साथ अपने क्लासरूम की स्ट्रैटेजी शेयर कर ली, तो उर्फी ने मुझे देखा यानी दिस इज मॉडलिंग कि हाँ उसने उर्फी ने लाइव एग्जाम्पल देखा। फिर मैंने अब इस चीज को लेके मैंने डायलॉग क्रिएट किया, थीम क्रिएट किया, ठीक है। हाँ बोल सकते हो समहाउ मॉडलिंग बनूगा कंसेप्ट से आ रहा है जहाँ पे हम एक्ट करते हैं देखते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने डायलॉग बोला, उन्होंने बोला कि कोई भी टॉपिक कोई भी ऐसी थीम उसके लिए ओपन एंडेड डिस्कशन करो, सबको डिस्कशन करें, मैं भी करूँ आप भी करो सबको डिस्कशन करो, ठीक है। उस डिस्कशन के बाद जब अभी तो मैंने किया है काम उर्फी के साथ मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया, अब मैंने उर्फी को बोला अब आप करके दिखाओ, अब आप प्रैक्टिस करो, दैट इज सेंट्रलिटी ऑफ प्रैक्टिस, यानी ये डेवलप तभी होगा जब हम हैबिट बना लेंगे कि हमें ये काम करना है, हैबिट्स ऑफ केयर, मैं किसी का केयर करने का हैबिट बना लूंगी, मैं किसी को हेल्प करने का हैबिट बना लूंगी तभी हम सेंट्रलिटी ऑफ प्रैक्टिस लाएंगे, यानी अब उर्फी ने इस आदत को अपनी हैबिट बना ली। अब उर्फी क्या कर रही है, अब उर्फी लोगों के साथ शेयर कर रही है अपने नोट्स, अपनी बातों को डिस्कस कर रही है, अपनी लर्निंग को डिस्कस कर रही है, शेयर कर रही है, अब उसने उस चीज को प्रैक्टिस में लिया है, ठीक है।
और लास्ट में कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन क्या बोलता है? कन्फर्मेशन बोलता है कि अब हमें यहाँ पे जरूरी है कि हम बार बार इंकरेज करें। अब उफी ने एक बार शेयर किया, हैबिट बना लिया, तो मैं कॉन्स्टेंटली उफी को इंकरेज करती रहूंगी, उसको नर्चर करती रहूंगी, यानी उसको प्रमोट करती रहूंगी कि बहुत अच्छा कर रहे हो, फिर वेरी गुड, कीप इट अप। उसकी उनकी केयरिंग एटीट्यूड को मैं प्रमोट करती चलूंगी। क्या करती चलूंगी? केयरिंग एटीट्यूड को प्रमोट करती चलूंगी। ठीक है, तो यही हमारा जो है नेल लॉटिंग्स के 4 की एलिमेंट्स है। ठीक है, पहले आते उसको देखते हैं, फिर हम उधर पीछे चलेंगे। तो देखो, पहला मॉडलिंग, यहाँ पे क्या करते हैं, हम खुद की बिहेवियर को दिखाते हैं कि केयर होता क्या है, हमसे बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। फिर आया हमारा डायलॉग, डायलॉग में हम केयरिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ओपन एंडेड डिस्कशन है। ठीक है, वी कुड नॉट मॉडल केयरिंग विदाउट इंगेजिंग। हम जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे हम उसको मॉडलिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम इस चीज पर डिस्कशन करेंगे तभी मॉडलिंग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में गाइस, तो मैं इसलिए इसके डिटेल आपको समझने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हो सकता है इस बार सिर्फ उन्होंने पूछा कि कौन कौन से होते हैं, नेक्स्ट टाइम इसके कंसेप्ट पूछ दें तो समझना जरूरी, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना। डायलॉग, डायलॉग के बाद उन्होंने बोला ना प्रैक्टिस होना जरूरी है, यानी मॉरल एजुकेशन, हम इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करें, इस पे वर्क करें, रिपोर्ट दिया जाए आपको अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और फाइनली कन्फर्मेशन होना चाहिए। कन्फर्मेशन कहने का सेंस क्या है? ये फोर्थ कंपोनेंट है जो कि आपको मॉरल एजुकेशन तक अप्रोच करेगा, जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली इंकरेज किया जाए कि बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, ये जो उन्होंने बोला कि जो सिर्फ क्या बोलते हैं, हम अपने आप को बेटर सेल्फ बना सकते हैं, कन्फर्मेशन में हम अपने आप को बेटर सेल्फ बना सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे डिस्कस की इन चार पार्ट में। तो इन चार पार्ट में चीज़ों को डाल दे तो बोलो। और फिर उन्होंने केयरिंग इनकाउंटर के बारे में बोला है, थ्री एलिमेंट अकॉर्डिंग टू नेल लॉटिंग, वही उन चार को ही उन्होंने तीन एलिमेंट में बोला। एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने समझाया कि ए जो है एक बंदा है जो कि बी के लिए केयर कर रहा है। ठीक है, एक बंदा है जो कि बी के लिए केयर कर रहा है, एंड दैट इज ए कॉन्शियसनेस इज करेक्टराइज, यानी ए का जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो किसे करेक्टराइज हो रहा है? अटेंशन से, मोटिवेशन से, कि हाँ वो किसी का केयर कर रहा है। ए जो है कुछ एक्शन परफॉर्म किया इस केयरिंग को लेकर, मतलब बी के लिए केयर कर रहा है, उसके लिए वो केयर परफॉर्म किया, यानी उसने कुछ करके दिखाया कि हाँ वो कर रहा है। बी को पता चला कि हाँ ए उसके लिए केयर कर रहा है। ठीक है, तो बी भी उसको रिटर्न में करेगा। यही होता है नेल लॉटिंग के अनुसार जो चार केयरिंग एलिमेंट्स है वो। ठीक है, वो जस्ट एक एग्जाम्पल था, कोई दिक्कत है तो बताओ, सभी को क्लियर है? सिर्फ एक उर्फी ने बोला ऑल क्लियर, और भी लोग हो प्लीज सबको रिप्लाई करो, नहीं क्लियर है तो बोलो, फिर से बता दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चार चीज। उसके बाद जो नेल लॉटिंग से बोला कि जो मैस्कुलिन करिकुलम चल रहा है, चीज में मेल मेंबर्स को प्रमोट किया जाता है, मैस्कुलिन करिकुलम, ये भी एक कीवर्ड है, इस चीज को हटाओ, अबैंडन करो, खत्म करो, इस चीज को क्या करो, अबैंडन करो, ये मैस्कुलिन करिकुलम से काम ही चलेगा। ठीक है, ऐसा बनाओ, कोऑपरेट करो, सभी को इक्वल करो, कॉमन मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों को लेकर क्या। ठीक है, नन ऐसे करिकुलम डिजाइन करो जो नन हायरार्की है, कोई हायरार्की नहीं होनी चाहिए, नहीं वो आए तभी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोऑपरेट कराओ, नन हायरार्की कराओ। फिर उन्होंने बोला कि ये जो रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, ये सब प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस में क्या होना चाहिए हमारा? ये सब थ्योरी में होना चाहिए, ये सब प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए। ये बोला रिलीजियस एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ये दो, क्योंकि ये केयरिंग को प्रमोट करेगा, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए, थ्योरी में होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस में नहीं, कि हम रिलीजियस एजुकेशन को प्रैक्टिस करा रहे, कि उसी रिलीजन को फॉलो करो, उसी जो है स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, नहीं होना चाहिए, थ्योरी में उनका कंसेप्ट होना चाहिए लेकिन प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है नेल लॉटिंग्स ने अपने कंसेप्ट में डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हमारा कॉल ऑफ रहा है, और नेल लॉटिंग्स का जो था वो हो गया हमारा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आज हम लोग कर लेते हैं, चलिए हमारे सामने क्वेश्चन है, कर लो इसको।
यही पूछा है की कंपोनेंट क्या है एयर मॉडल ऑफ नेल मॉडलिंग से, ये एग्जाम में आया हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग अभी तक देखें यही चार चीजें हमारा ए बी सी और डी। चलो इन सबके आंसर्स का वेट करेंगे तो देखो हमारा ए बी सी और डी। अच्छा और फिर नेल नॉलेज का सबसे पहले हमने जो एक बुक देखा वो था ना यही एथिक्स केयरिंग और एजुकेशन वाला, एथिक्स केयरिंग एंड एजुकेशन। तो याद है ना नेल नॉलेज का सबसे बड़ा कीवर्ड ही है, जब भी केयरिंग मोस्ट ऑफ द जगह पे जहाँ पे केयरिंग की बात आएगी वो नेल नॉलेज से ही होंगे, ठीक है? वो कौन के नेल नॉटिक्स ही होंगे। तो ये हमारा फॉलो फ्रेरे और नेल नॉटिक्स फिनिश हो गया। कोई डाउट है किसी को इसमें तो फॉलो फ्रेरे और नेल नॉटिक्स फिनिश हो गया। कोई डाउट है तो बोलो, कोई भी डाउट है तो बताओ। वह एक बार मैं फिर से सभी को डिस्कस कर देती हूँ गाइस, जो टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी पेपर 1-2 में पढ़ा चुके हैं उन यूनिट्स को मैं फिर से पढ़ाऊंगी, पर अब नहीं, पहले जो नहीं पढ़ाया मैं उसको खत्म करना चाहती हूँ, ठीक है? तो इस वजह से मैं ऐप पे रोज एक लेसन अपलोड कर रही हूँ फ्री कोर्सेज के अंदर सीक्वेंस में, ताकि आपको वहाँ कंटेंट ऑलरेडी सीक्वेंस में मिल जाए, ठीक है? अब जैसे आज यूनिट 1 पूरा हमारा फिनिश हो गया, अब मैं यूनिट 2 ऑलरेडी कुछ कुछ पढ़ाई हुई हूँ, तो कल से मैं यूनिट 2 की क्लासेस को ऐप पे अपलोड करती चलूंगी। वो आप देखते चलना वहां पर, आपका ड्यूटी होगा वो आप देखते चलना। जैसे ही वो फिनिश होगा, हाँ बिल्कुल शिवानी अब उसमें कुछ भी नहीं बच गया, जैसे ही वो फिनिश होगा जो फिर मैंने यूनिट 2 का जो पॉलिसी वगैरह है वो सब नहीं पढ़ाया है वो फिर मैं उसकी क्लास यूट्यूब पे लूंगी, ठीक है? तब तक आप बाकी की क्लासेस को उस तरीके से कवर करोगे, ठीक है? तो सभी को ये चीजें क्लियर है? तो ऐप अभी तक जिन लोगों ने अभी तक नहीं डाउनलोड किया या टेलीग्राम पे नहीं जुड़े वो डाउनलोड कर लो, ठीक है? कल हम लोग मिलते हैं पेपर 1 की क्लास के साथ मिलेंगे। पेपर 1 का रिसर्च होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा चल रहा है, हम लोग उसको चलेंगे कल करेंगे, ठीक है? कल ही 10 बजे मिलते हैं एंड आई होप क्लासेज अच्छी लगी है। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज डू लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, और क्लास के बाद एक कमेंट तो जरूर करो गाइस, इतनी मेहनत से मैं भी आती हूँ टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए, एंड बिल्कुल कंटेंट ऐसा प्रोवाइड करते हैं जो कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज एक लाइक एक कमेंट और एक शेयर बनता है तो जरूर करना, ठीक है? सो चलो हाँ बिल्कुल। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिन लोगों ने अभी तक प्ले स्टोर पे मेरी ऐप को रेट नहीं किया वो लोग भी रेटिंग दे दो प्लीज, और मेरी कोर्सेज को भी रेटिंग अगर अच्छा लगता है तो। चलो बाय, टेक केयर, thank you, good night.